Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel. तो दोस्तों, in this video I'll be talking about the second list that is released by the IMU, जो yesterday IMU द्वारा DG की साइट पे रिलीज कर दी गई है. तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक अपने जो अपग्रेडेशन के लिए दिया था, जिनको अपग्रेड करना था कॉलेज या कोर्स अपग्रेड करना था, तो उनकी लिस्ट आ चुकी है. तो जिन जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए दिया था, अपग्रेडेशन के लिए दिया था, तो वो जाके चेक कर सकते हैं. तो जो उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. लेकिन वैसे जो साइट का नाम है, डेट इज यू कैन टाइप ऑन गूगल या क्रोम ब्राउजर, जो भी आपका ब्राउजर है उस पर आप imu.edu.in ये करके आप टाइप कर सकते हो. उसके बाद आपका जो होम पेज खुल जाएगा, वहाँ पे फ्रंट पेज पे ही उसमें लिंक है, डेट इज IMU सेकेंड लिस्ट, ठीक है ना, फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अदर देन MBA, ठीक है ना. तो उस पर आप क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से यू कैन चेक कि आपका जो अपग्रेडेशन है वो कोर्स अपग्रेड हुआ या कॉलेज अपग्रेड हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकंड लिस्ट का है वो एनालिसिस करेंगे कि जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें जो फर्स्ट लिंक के कंपैरिजन में कितने रैंक तक किस किस बच्चे को कौन सा कोर्स मिला या कौन कौन सा कॉलेज अपग्रेड हुआ है. तो मैंने पूरी PDF को पढ़ा, जैसे मैंने फर्स्ट लिस्ट का एनालिसिस दिया था वैसे अभी सेकंड लिस्ट का भी एनालिसिस देंगे, और जानेंगे कि जो थर्ड लिस्ट है यानी कि वो आएगी या नहीं आएगी. क्योंकि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि थर्ड लिस्ट लानी कंपलसरी है, वो कंपलसरी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द सीट्स ऑफ द कॉलेज, कॉलेज की सीट पे डिपेंड करता है कितनी अवेलेबिलिटी है सीट्स की, कितनी सीटें खाली हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई करा है. तो इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, ठीक है ना. और फिर भी उसके बाद भी थर्ड लिस्ट के बाद भी सीट्स आ जाती है, देन दे गो फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए भी हो जाते हैं. तो अगर यानी कि ये कंपलसरी नहीं है कि थर्ड लिस्ट आएगी, क्योंकि अगर सीटें खाली नहीं है देन दे विल नॉट गिव द थर्ड लिस्ट एंड दे मे कैंसल द स्पोर्ट काउंसलिंग ऑल्सो. तो ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं कि थर्ड लिस्ट आने वाली है, लेकिन अगर थर्ड लिस्ट आएगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो उसकी रैंक है वो कहाँ तक जाएगी एज कंपेरिजन टू सेकेंड लिस्ट. और जैसे फर्स्ट लिस्ट की भी बात करी थी, तो जो मैंने पूरा इसका एनालिसिस है वो मैंने एक नोटबुक में लिखा, जैसे फर्स्ट का लिखा था मैंने और आपको एनालाइज करके बताया था. तो मैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए मैं तीन कोर्स की बात करूँगा, डेट इज़ BTech मरीन इंजीनियरिंग, उसमें तीन कॉलेजेस है, ठीक है ना, उनकी अलग अलग रैंक के बारे में बात करूँगा. देन द सेकेंड इज BSc नॉटिकल साइंस, उसमें भी तीन कॉलेज है, उन तीनों की मैं बात करूँगा. देन द थर्ड कोर्स इज DNS, डेट इज़ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, उसकी मैं बात करूंगा, उसमें दो कॉलेजेस हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. और फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज की अलग अलग से हम डिस्कशन करेंगे, और फर्स्ट लिस्ट के कंपैरिजन में भी बात करेंगे कितनी रैंक तक गई है. तो चलो अभी जैसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ST कैटेगरी. अब जो दोस्त ST कैटेगरी खड़ा ना, ST कैटेगरी के जितने ही बंदे थे वो फर्स्ट लिस्ट में ही ऑलमोस्ट सभी को जो उनका मनपसंद कॉलेज था, द कॉलेज दे वॉन्ट दे गोट, उनको मिल गया, ठीक है ना, उनको कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि दिस वॉज अ वेरी रिजर्व कैटेगरी. तो उन सभी को कॉलेज या उनका जो कोर्स था उनको मिल चुका है. तो जो अभी जो सेकेंड लिस्ट आई है, ठीक है ना, जो सेकेंड लिस्ट आई है उसमें बस यानी कि जो ST कैटेगरी के लिए थे उसमें दो कॉलेज के लिए ही रैंक आई है, जो मैंने यहाँ पे नोट करी है. द फर्स्ट वन इज फॉर BTech मरीन इंजीनियरिंग, जिसमें जो मुंबई पोर्ट था, मुंबई पोर्ट में जो कॉलेज फॉर BTech मरीन इंजीनियरिंग, उसकी जो रैंक थी डेट इज लास्ट रैंक डेट इज 14,753, ठीक है ना. तो ST कैटेगरी की ये वाली लास्ट रैंक आई है, बाकी कोलकाता और चेन्नई के लिए कोई लास्ट रैंक नहीं आया है, क्योंकि उनको पहले ही एडमिशन मिल चुका था, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कराई नहीं होगा फॉर ST कैटेगरी. और जो दूसरी रैंक आई है डेट इज फॉर BSc नॉटिकल साइंस, वो भी चेन्नई से, ठीक है ना, उनकी जो लास्ट रैंक आई है डेट इज 7738, ठीक है ना, ये लास्ट रैंक आई थी. बाकी नवी मुंबई और कोचिन के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं करा किसी ने भी फॉर ST कैटेगरी. एंड फॉर DNS, जिसमें दो कॉलेज है, नवी मुंबई डेट इज TS चाणक्य और चेन्नई, ठीक है ना, इनमें भी उन्होंने अप्लाई नहीं करा, तो इनकी भी कोई रैंक इश्यू नहीं हुई है फॉर ST कैटेगरी. बस दो ही रैंक इश्यू हुई है, डेट इज फॉर BTech मरीन इंजीनियरिंग मुंबई पोर्ट एंड BSc नॉटिकल साइंस इन चेन्नई, ठीक है ना. ये था पूरा अपना ST कैटेगरी के लिए. अभी जो अपना SC कैटेगरी के लिए है और जितनी भी कैटेगरी है ना, उन सब के लिए सारी लिस्ट, सारी रैंक है वो अलॉट हुई है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास बंदे ज़्यादा थे, ST कैटेगरी वालों को सभी को मिल चुकी थी. तो अभी बढ़ते हैं SC के बारे में. सबसे बात पहले बात कर लेते हैं BTech मरीन इंजीनियरिंग की. तो जो BTech मरीन इंजीनियरिंग कोलकाता में है, कोलकाता में गई है 11,814, ठीक है ना, ये लास्ट क्लोजिंग रैंक फॉर ST कैटेगरी. और जो चेन्नई के लिए गई है वो गई है 8,749,
ठीक है ना, आप नोट डाउन कर सकते हो इनको। और जो मुंबई पोर्ट के लिए गई है डेट इज 9523, ठीक है ना, इतना आप देख सकते हो। अब जैसे आप पिछले इससे भी इससे कंपैरिजन कर सकते हो कि जो बीटेक था पिछला और एससी कैटेगरी वो कितना गया था। अभी आप देख सकते हो जो कोलकाता में था वो 7925 था एज पर फर्स्ट लिस्ट लास्ट रैंक, लेकिन अभी कितना गया फॉर एससी कैटेगरी 11814। तो आप देख रहे हो अराउंड 4000 का डिफरेंस आया है, ठीक है ना। तो 4000 रैंक के बाद भी जो थो उनको ये मिल गया कॉलेज, ठीक है ना। तो इतना आप डिफरेंस फर्स्ट लिस्ट से, जो मेरी फर्स्ट लिस्ट की वीडियो थी एनालिसिस की, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देखो और उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कितने रैंक के बाद कितने रैंक तक सेकंड लिस्ट गई है, ठीक है ना। अभी जो बीएससी नॉटिकल साइंस है उसमें नवी मुंबई के लिए गया फॉरेस्ट कैटेगरी 5587, चेन्नई के लिए गया है 6774, देन कोचिन के लिए गया है 8050 डेट इज 8050। और जो डीएनएस के लिए गया है फॉर नवी मुंबई डेट इज 12162, चेन्नई के लिए गया है 13298, ठीक है ना। तो डीएनएस आई थिंक सभी को मिल गया फॉर एससी कैटेगरी, सभी रैंक को मिल गया है। अभी बात कर लेते हैं हम डेट इज थर्ड, डेट इज फॉर ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल डेट इज नॉन क्रीमी लेयर रिजर्व कैटेगरी। उसमें जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग फॉर कोलकाता है उसकी जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी एज पर सेकेंड लिस्ट डेट इज 5258, ठीक है ना। और जो चेन्नई के लिए थी डेट इज 5015, और जो मुंबई पोर्ट के लिए थी वो थी 4636, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस उसमें नवी मुंबई के लिए थी, अभी ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, 3763, चेन्नई के लिए 4334, और जो अपना कोचिन के लिए थी वो थी अपनी 4817, ठीक है ना। तो आप अपनी पिछली लिस्ट थी जो उसके हिसाब से भी मैंने लास्ट क्लोजिंग रैंक दी थी उसके हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि उसमें कितनी गई थी और इसमें कितनी गई है, कितने का डिफरेंस आया। तो उसी हिसाब से आप थर्ड लिस्ट का एनालिसिस कर सकते हो कि थर्ड लिस्ट में भी अराउंड इतने रैंक तक जाएगी, ठीक है ना, इफ वी गेट द थर्ड लिस्ट। देन फॉर डीएनएस नवी मुंबई के लिए गई थी 4328, चेन्नई के लिए 5641, ठीक है ना। तो ये सारी रैंक थी ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है ना। अभी एक बच्चा था जिसका डाउट आया था यूट्यूब पे कि जो उसकी ओबीसी रैंक है ना डेट इज, यानी कि उसकी जो रैंक है 4216 है, ठीक है ना, 4216 उसकी रैंक है और वो ओबीसी कैटेगरी से है। तो उसका डाउट था कि मुझे जो बीएससी नवी मुंबई यानी कि टीएस चाणक्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी देखो जो बीएससी नॉटिकल साइंस फॉर ओबीसी कैटेगरी था उसकी रैंक देखो, ओबीसी कैटेगरी के लिए बीएससी नॉटिकल साइंस 2970 था, यानी कि अराउंड 3000 था, और अभी 3000 से कितना गया है 3763, यानी कि 700, 750 का डिफरेंस आया। और इसकी रैंक है 4216, यानी कि 3700 प्लस 500, यानी कि 500 का या 450, 500 उसका और डिफरेंस चाहिए। तो आई थिंक उसको थर्ड लिस्ट में अगर रिलीज होती है या स्पोर्ट काउंसलिंग में उसका नाम आ जाएगा, उस बच्चे को ये रैंक, ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना, एज पर माई एक्सपीरियंस उसको मिल जाएगा। ये उसका डाउट, होप आपका डाउट है जो इसका भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अभी बढ़ते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के बारे में, डेट इज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसमें फॉर बी टेक मरीन इंजीनियरिंग जो लास्ट रैंक है सेकेंड लिस्ट डेट इज 6787, और कोलकाता के लिए और चेन्नई के लिए 8578, और अपना मुंबई पोर्ट के लिए 5434, ठीक है ना। और फिर बी एस सी नॉटिकल साइंस के लिए फॉर नवी मुंबई के लिए 3839, चेन्नई के लिए 6280, और जो कोचिन के लिए था दैट इज 7464, ठीक है ना, ये कोचिन के लिए लास्ट रैंक थी। एंड फॉर डीएनएस नवी मुंबई के लिए 5339, और चेन्नई के लिए 13905, ठीक है ना, 13905 ये लास्ट क्लोजिंग रैंक थी फॉर डीएनएस। तो डीएनएस है ना जो नवी मुंबई में जो लास्ट रैंक थी ना वो पहले, अभी मैं डिस्कशन करूंगा, अभी ओपन कैटेगरी की बात करूंगा तब मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। अभी बात करते हैं ओपन कैटेगरी की। अब ओपन कैटेगरी में देखो मैंने पिछली रैंक भी लिखी है और जो अभी की रैंक भी लिखी है, ठीक है ना। तो अभी की रैंक देखो, जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग इन कोलकाता फॉर ओपन कैटेगरी दैट इज 1719, और जो एज पर सेकंड, एज पर फर्स्ट लिस्ट थी वो थी
965, तो देख रहे आप 800 का डिफरेंस आया, ठीक है ना। और जो चेन्नई के लिए थी जो अभी है 2001 है, और जो लास्ट थी फर्स्ट लिस्ट में 1085 थी, तो इसमें देख रहे आप 1000 का डिफरेंस आया था, यानी कि 1000 रैंक तक सेकंड लिस्ट में उनका नाम अपग्रेड हो गया। अभी जो मुंबई पोर्ट था, मुंबई पोर्ट में 1776 अभी जो लास्ट रैंक थी, और जो पहले थी दैट इज 558, ठीक है ना। तो इस वाले बच्चे को ये मिल गया, इसमें भी आप देख रहे हो कुछ ज्यादा डिफरेंस है, 1200 का, तो 1000 का डिफरेंस आया है। देन फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस नवी मुंबई के लिए अभी लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1210, और जो लास्ट थी उसमें 796 थी एज पर फर्स्ट लिस्ट, तो 500 का अराउंड डिफरेंस आया है। फॉर चेन्नई अभी लास्ट क्लोजिंग रैंक थी 1813, ठीक है ना, और जो लास्ट थी एज पर फर्स्ट लिस्ट 1210, ठीक है, तो इसमें भी अराउंड 600 का डिफरेंस आया है। कोचिन में अभी थी 1959, ठीक है ना, 1959, और जो एज पर फर्स्ट लिस्ट थी वो थी 1358, तो इसमें अराउंड 500 का डिफरेंस, 600 का डिफरेंस आया है। तो देख रहे हो आप बीटेक के लिए 1000 का डिफरेंस आया है, बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए 500 का डिफरेंस आया, ठीक है ना। जो अपना डीएनएस था, डीएनएस में जो लास्ट रैंक थी अभी, जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी नवी मुंबई के लिए दैट इज 2022, और जो लास्ट थी फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से 499, तो इसमें अराउंड कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, 1500 के करीब का डिफरेंस है। तो यानी कि जो डीएनएस है नवी मुंबई में वो अराउंड, यानी कि बच्चों को मिल गया है एज हायर रैंक पे भी, जो लो रैंक थी उनको भी मिल गया। जो चेन्नई की थी अभी के लिए 2872 लास्ट रैंक है, और जो एज पर फर्स्ट थी डेट इज 1877, तो इसमें भी 1000 का डिफरेंस आया है। तो ये था दोस्तों पूरा फुल एनालिसिस, तो ये फुल एनालिसिस था सेकेंड लिस्ट का, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हो यानी कि इतना थोड़ा थोड़ा इतना डिफरेंस आया है। तो अगर अगर सीटें खाली हैं कॉलेजेस में, है ना, और उनको फिल करनी है, तो दे विल बी रिलीजिंग द थर्ड लिस्ट, ठीक है ना। अभी बात कर लें कि थर्ड लिस्ट आने के चांसेस, यानी कि कब तक आएगी थर्ड लिस्ट। अभी आप देखो जो अपनी फर्स्ट लिस्ट आई थी ना वो अराउंड 13-14 दिन पहले आई थी इससे, जैसे कल थी 18th, यानी कि 18 को सेकेंड लिस्ट रिलीज हुई है, तो अराउंड 5 या 6 को अपनी फर्स्ट रिलीज हुई थी, तो अराउंड 15 डेज का गैप लेके चलो, तो ठीक है ना। तो यानी कि अभी 18 है, यानी कि इसमें आप 15 डेज, यानी कि 12-13 डेज, यानी कि अगस्त के, यानी कि स्टार्टिंग में, अगस्त के बिल्कुल स्टार्टिंग में 1 या 2 तारीख या 3 तारीख के करीब, यानी कि आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो आ जाएगी, और फिर आई थिंक स्पोर्ट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके फिर आप स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हो। तो जो मैंने सेकंड लिस्ट में बताया उसके हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि थर्ड लिस्ट में कितने तक रैंक जाएगी, ठीक है ना, और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेरा थर्ड लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये मैंने पूरा इसका जो सेकंड लिस्ट का था वो एनालिसिस वो आपके सामने रख दिया है, आप अपने यानी कि रैंक के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन में, आप बोलो तो मैं उनका रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, गुड बाय।